हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आप लोग के बीच आ चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग वेट कर रहे थे कि एनएम 8853 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, लेकिन इनका ज्वाइनिंग कब तक होगा, ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और आप लोग का इंतजार भी है कि कब ज्वाइनिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब खुशी की खबर आ चुका है क्योंकि ज्वाइनिंग डेट आ गया। हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया थे कि ज्वाइनिंग डेट बहुत ही जल्दी आएगा, ज्वाइनिंग डेट आ गया। और ये मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होगा, वो भी चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जानना जरूरी है कि किन कैंडिडेट ऐसा है जिनका ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है और इसका कारण क्या है, अगर ज्वाइनिंग करना है तो करना क्या होगा, वो चीज़ भी दिखाऊंगा। चलिए ऑफिशियल जानकारी पर लेकर चलते हैं और पूरी कंप्लीट खुशखबरी बांट दो पूरे मोहल्ले में, पूरे वीडियो को शेयर कर दो हर जगह, जिससे उन लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि ज्वाइनिंग कब होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको ये पेपर कटिंग मैं दिखा देता हूँ, इस पेपर कटिंग को आप लोग गौर से देखिएगा और इसमें क्लियर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 9322 कर्मियों का चयन, यानी कि विभिन्न प्रकार के पद, यानी कि 4-5 पोस्टों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया था, जिनमें टोटल 9322 पोस्टों का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर मैं हेडलाइटिंग आप लोग को दिखा दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कि देख सकते हो कि बुधवार को श्री पांडे ने, यानी कि मंगल पांडे जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसने बताया कि काउंसलर का 579, एएनएम के 8517 पदों का चयन किया गया। वहीं जिला की कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पद कर्मी को चयनित किया गया। वहीं अगर बात करोगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पद पर 6, इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर बात करोगे तो 9693 पदों का यहां पर विज्ञापन निकाला गया था और 9332 कर्मियों का चयन प्रक्रिया पूरा कर लिया गया। अब इन 932 कर्मियों के अंतर्गत एएनएम की भी प्रक्रिया आती है, एएनएम भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अब इन सभी कर्मियों को क्या किया जाएगा कि इन सभी कर्मियों को इसी माह विभिन्न जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। यानी दोस्तों, ये मंगल पांडे जी के महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं कि इसी महीने आप लोग को पदस्थापित किए जाएंगे, यानी कि अब आप लोग के इंतजार की घड़ी खत्म हो गया, अब इस महीने के अंतिम तक आप लोग को यहां पर ज्वाइनिंग दे दिए जाएंगे, ऐसा कहना है। अब मैंने कहा था कि इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा, यहां पर इसमें लिखा हुआ है। अब ये किन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ बता देता हूँ। आप लोग मेरिट लिस्ट ज़रूर देखे होंगे और मेरिट लिस्ट में वहाँ पर देखे होंगे जिनका कलर किया हुआ है, कलर किया होगा पीला कलर से कलर किया हुआ है, आप लोग गौर करके देखिएगा। अब जिन कैंडिडेटों का पीला कलर किया हुआ है, उन कैंडिडेटों को जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना है। जो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए ज्वाइनिंग में दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं कहा हूँ कि उन लोगों को जल्दी से डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन के अंदर उन सारे कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर लेना है, तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। जिनमें जो पीला कलर लगा हुआ है, सिर्फ वही कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, सारे कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, सिर्फ कैंडिडेट वहाँ पर जो पीला कलर का किया हुआ है, वही कैंडिडेट जिसमें स्टार लगा हुआ है, वही कैंडिडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कर दीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कतें नहीं हो। और सारे मेरे जो भी यहाँ पर जो भी कैंडिडेट, जिन लड़कियों के यहाँ पर रिजल्ट हुआ है, सारे कैंडिडेट जल्दी से जल्दी अपना स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने के लिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग को और आगे उन्नति करने के लिए अपना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। दोस्तों, आपको मैं 2-3-4 दिन का आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, 4 वीडियो, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग टाइप का बता दूंगा, क्लास लेकर के दिखा दूंगा कि आपको ड्यूटी के ड्यूरिंग क्या क्या करना है। बिहार सरकार के कुछ स्वास्थ्य विभाग के कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस आपको हम दिखा देंगे कैसे आप लोग को करना है। तो आज ही कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं जल्दी करूँगा। फ्रेंड्स, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कितना ड्यूटी टाइमिंग रहेगा, क्या आप लोग को पेमेंट मिलेगा, सैलरी कितना बढ़ता है, किस टाइप से छुट्टी क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दे दूँगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को फैला दीजिए सबके पास, जिससे कि सबको जानकारी मिल जाए और मुझे उतना कोई लोग कमेंट करके नहीं पूछना पड़े कि सर मुझे जानकारी नहीं मिला, जिससे कि सबको फायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और खुशखबरी बनाइए कि इस महीने का लास्ट तक आप लोग का पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे। थैंक यू।